वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली मॉर्निंग में 8 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके इंडिया के सभी एग्जाम के लिए जरूरी होती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर है जो कि देखते होंगे, और किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो कि नहीं आएगी इस सेशन को रेगुलर देखने के बाद में। ऑलराइट, चलिए एक बार जल्दी से मेरे को बता दो कि आवाज वाज परफेक्टली आ रही है क्या, उसके बाद में एक बार थम्स अप कर दो, उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलो, आवाज वाज ठीक है, परफेक्ट एकदम। चलो, तो जैसा कि आपको मालूम है, आज है मंडे, और संडे और मंडे दो दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करते हैं हमेशा की तरह। बहुत कुछ है जो कि आपको सीखने को मिलेगा इस 30-40 मिनट के सेशन के बाद में, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि आप फुलफिल्ड है, पूरी दुनिया में, देश में जो जो इंपॉर्टेंट हुआ है सब कुछ आपको पता होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि आप देश में कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सी फील्ड में काम करते हैं। इस सेशन के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर मैं फोकस करता हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, नॉट ओनली इन एग्जाम। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, वो तो कहां से जाएंगे जब हम लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जब हम लोग कवर करते हैं, और वो भी डिटेल में कवर करते हैं, तो क्वेश्चन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रॉब्लम है जो कि आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो, कहां पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऑलराइट, चलिए तो आगे बात करते हैं आज के फ्रंट पेज की, आज के सारे के सारे न्यूज़पेपर की बात करें, और कल का संडे का भी न्यूज़पेपर मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो द हिंदू में आपको 7 आर्टिकल है जो कि मिलेंगे एग्जाम में, जो हमारे इन चीज़ों से पहले जो आते हैं क्वेश्चन जो आ चुके होते हैं वो भी हम लोग साथ में कवर करते चलते हैं। लास्ट में मैं आपको जो 5 क्वेश्चन ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन जो कि पिछले अभी कुछ महीनों में एग्जाम में आए हैं करंट अफेयर के, वो भी कवर करेंगे, और 5 द हिंदू में से जो वोकैबुलरीज है वो भी कवर करेंगे। ऑलराइट, चलिए, इंडियन एक्सप्रेस में 2 है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 2 है, और PIB PRS की बात करें तो 4 आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 15-16 टोटल आर्टिकल है जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हर संडे को आपको करंट अफेयर और सारे एग्जाम का फ्री लाइव टेस्ट है जो कि मिलता है, साथ में आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो भी आपको यहीं पर ही है जो कि वो मिलेगी। लर्न विद भुवनेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज लेक्चर होने वाला है यहाँ पे हम लोग, है ना। आज जो लेक्चर कवर करेंगे वो कौन सा वाला करने वाले हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियन का जो आगमन है ना, वो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, आज का कोट ऑफ द डे है, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। तो देखो, हमेशा काम वो करने की कोशिश करो जो कि डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करे। अगर आपने करने की कोशिश करोगे ना तो हो भी जाएगा आपकी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी लाइफ में अगर आप काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप जो काम कर रहे हो ना वो दिखना चाहिए, वो लगना चाहिए कि कुछ तो कोशिश कर रहे हो, कुछ तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर 1000 लोग भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और अगर आपके काम से अगर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो आपके वहाँ पे होने से, तो ही आप जो कि लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज यू विल बिकम वेरी कॉमन, जो कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हो शाम में आ रहे हो, सुबह जा रहे हो शाम में आ रहे हो, एक मोनोटोनस लाइफ है जो कि बच जाएगी। तो हमेशा कोशिश करो सोसाइटी के लिए, कहीं पर भी कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे और बेटर इंप्रूवमेंट है जो कि कर सकता हूं अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। तो एक्ट आपको ऐसी तरीके से करना है कि यू डू मेक ए डिफरेंस, और जब आप ये सोचने लगते हो ना तो डिफरेंस भी दोस्तों अपने आप आने लग जाता है। ऑलराइट, चलिए आज के फ्रंट पेज के बारे में बात करते हैं। आज एक मिनट के मैंने इसमें ऐड किया हुआ है क्या, सारे के सारे जो लास्ट में कई सारे क्वेश्चंस मैंने देख ऐड किए थे, वही वाली PPT है ना ये। वो वाली PPT नहीं है ये, चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं आपको दूसरी एक और PPT है जो इसमें मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी ऐड करे थे, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। शायद यहाँ पे आई नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज ये सबसे पहले तो संडे का न्यूज़पेपर है, संडे के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे एक तो बताया गया है सबसे पहले कि हमारे जो मणिपुर के अंदर जो इंटरनेट सेवा है वो वापस से रिज्यूम है जो कि हो गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, अच्छी बात है, वापस से चीजें नॉर्मलाइज हो, वापस से लोग अपने घर परिवार के साथ में रहे, यही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया काफी टाइम से दोस्तों जो वायलेंस के वीडियोस आ रहे थे उन सबके लिए जो है बैन कर दिया गया था, इंटरनेट बैन कर दिया गया था, अभी वायलेंस में थोड़ा डिप आया, 140 दिन का बैन है जो कि लगा था, 140 दिन, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा कितना बड़ा नंबर था ये।
ठीक है, यहां पे जो बात करी गई है वो कनाडा के बारे में और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करी गई है। यहां पे दिल्ली के अंदर बारिश है, यहां पे इसरो के अंदर कई सारे लोगों ने काम किया था, कई सारे कंपोनेंट को सप्लाई करने को लेकर जब हमारे चंद्रयान 3 के टाइम पे, तो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन के कई सारे टेक्नीशियन और इंजीनियर्स थे, लेकिन उनको काफी महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो बेचारे लेडीज के ऊपर जो है वो स्टॉल लगा के कुछ काम है जो कि अपना चला रहे हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि और भी बहुत लोग हैं जो कि किसी भी सक्सेसफुल मिशन में काम करते हैं, तो 20 महीनों से इनकी सैलरी जो है ना इनको रिसीव नहीं हुई, और ऐसे 3000 एम्प्लॉयज है और ये सरकारी कंपनी थी, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट केस है जो कि टीडीपी सरकार का है दोस्तों, आंध्र के अंदर वो है, यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर है, यहाँ पे इलेक्शंस को लेकर है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, कुछ भी खास ऐसा दोस्तों संडे के फ्रंट पेज पे नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 3, जहां पे बात करेंगे दोस्तों एक जेंडर इक्वालिटी को लेकर। आपको मालूम होगा कि अभी सियाचिन के अंदर भी हमारे भारतीय जवान जो महिला जवान है, जो हमारे महिला ऑफिसर्स है, उनको भी अपॉइंटमेंट है जो कि वहां पे होने लग गया है और फ्रंट के अंदर भी होने लग गया है। तो जो पोजीशन पहले सिर्फ पुरुषों के लिए दोस्तों आर्मी के अंदर ओपन थी, अभी वो महिलाओं के लिए भी ओपन हो गई है, चाहे तो फिर वो लीडरशिप करना हो, है ना, पूरा स्क्वाड्रन को लीड करना हो, कमांडिंग ऑफिसर वाली पोजीशन हो, या फिर सियाचिन के ऊपर पोस्टिंग वाली हो, ओके, तो ये सब जो है वो सबके लिए अलाउ हो चुका है। लेकिन अभी भी क्या है कि आर्मी के अंदर एक जो पुरुषों वाले डोमिनेंस था वहां तो महिलाएं आ चुकी है, लेकिन जहां पे महिलाओं का डोमिनेंस है वहां पे पुरुषों की एंट्री अभी भी नहीं है। और ये कौन सी विंग है? ये है दोस्तों नर्सिंग स्टाफ की विंग। अगर आप इंडियन आर्मी के नर्सिंग स्टाफ में देखोगे तो कोई भी पुरुष नहीं है, वो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए जो है उसको रखा गया है। तो अब यहां पे यही बात हो रही है कि जब हम लोग इक्वालिटी की बात करें तो दोनों जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहां पे दोस्तों एक पेटिशन है जो कि यहां पे दायर अभी रिसेंटली करी गई है। Just give me a second. तो एक पेटिशन है जो कि अभी रिसेंटली यहां पे दायर करी गई है। उस पेटिशन के अंदर यही बोला गया है कि पुरुषों को भी जो है ना वो आर्मी की महिलाओं की विंग के अंदर जो है अभी वो अलाउ कर देना चाहिए। तो वही चीजें जो कि यहां पे बताई गई है, तो पेटिशनर का यही कहना है यहां पे आप देखिए। और साथ में सरकार से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोर्ट ने पूछा है कि भाई अब इसके ऊपर भी आप लॉज बनाइए कि पुरुष भी जो है वो नर्सिंग स्टाफ के अंदर आ सकते हैं, ताकि इक्वालिटी जो है वो दोनों जगह पर रहे, है ना। चलिए तो यहाँ पे यही है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रिसेंटली जो है ये पेटिशन है जो कि आई हुई थी, उसको ऑब्जर्व करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि बात तो बिल्कुल सही है, दोनों जगह जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडवोकेट किया गया कि मेल नर्सेस भी जो है वो आर्मी के अंदर होना चाहिए, ताकि जेंडर बैरियर को जो है हम लोग ब्रेक कर सके। तो एक नर्सिंग एसोसिएशन है जहां पे 50,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ही ये पेटिशन है जो कि लगाई गई थी। अब हाईकोर्ट ने जो है वो पॉजिटिव स्टैंड लिया है इसके ऊपर, और गवर्नमेंट को बोला है कि इसके ऊपर भी आर्मी से अभी तो यहाँ पे मांगा है कि उनका इसके ऊपर क्या मानना है, फिर गवर्नमेंट के अपने जो उनका जो क्या इसके ऊपर टेक रहता है उसके बारे में डिस्कशन होगा, फिर हाईकोर्ट है जो कि अपना फैसला सुनाने वाला है। तो देश के अंदर 7,000 ट्रेंड और क्वालिफाइड मेल नर्सेज भी हैं, तो उनको भी जॉब है जो कि यहाँ पे मिल सके। वुमेन प्रोफेशन जो है सिर्फ अभी ओनली है यहाँ पे, उसको हम लोग चेंज है जो कि कर सके। ऐसे पहले भी हो चुका है, एयरलाइंस के अंदर भी जो है ना सबसे पहले जो है लड़के काम किया करते थे, है ना, जैसे जो आज हम लोग एयरलाइंस में देखते हो कि महिलाएं जो है वो आपको फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लेकिन उसके बाद में कोई एक एयरलाइंस थी, आई डोंट नो कौन सी थी, लेकिन उसने महिलाओं को, है ना, फ्लाइंग सर्विसेज के अंदर स्टार्ट कर दिया रिक्रूटमेंट देना। उसके बाद में उनको लगा कि ये लड़कियां जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से बिहेव कर रही है, ज्यादा बेटर आउटपुट है, तो फिर क्या हो गया, एक तरीके से पूरी की पूरी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एयर हॉस्ट्रेस जो है वो ज्यादातर लड़कियां देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे जो है फिर उसके अंदर मेल स्टूअर्ट जो है वो पुरुष भी बनने लगे, तो अभी दोनों जो है आपको देखने को मिलता है, है ना। तो हर एक कोई भी सेक्टर हो, सब जगह पे दोनों की ही जरूरत है जो कि होती है, और दोनों ही होने भी चाहिए। तो उसी चीज को जो है यहाँ पे बोला गया है। करंट सिनेरियो जो है 1900 से दोस्तों इसी प्रकार से चल रहा है, ओके, 1900 से जो नर्स है वो प्रीडोमिनेंटली महिला है जो कि देखने को मिलती है, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत सारे पुरुष भी जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो उनको भी जो है मौका है जो कि यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑर्डिनेंस 1943 के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का ही अपॉइंटमेंट है जो कि किया जाता है। हॉस्पिटल, पेशेंट्स, प्राइवेट जगह पे तो आपको बहुत जगह पुरुष भी मिलेंगे, लेकिन महिलाओं को लेकिन आपको आर्मी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो वही पेटिशन है जो कि यहाँ पे दायर करी गई है, ठीक है, काफी सही चीज है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 6। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नर्सिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको आर्मी के अंदर भी जाने का मौका है जो कि मिल जाएगा।
पेज नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो दोस्तों बिहाना दीदी के बारे में बात करेंगे, स्वाति नायक के बारे में। स्वाति नायक को दोस्तों अभी नॉर्मन बोरलॉग का अवार्ड जो है वो मिला है, क्योंकि इन्होंने राइस वैरायटीज के ऊपर बहुत काम किया है। तो इनको नॉर्मली जो है ना सीड लेडी जो है वो कहते हैं, सीड लेडी जो बुआई करते हैं ना उसको गांव में बोलते हैं बुआई करना, सीड डालना। तो सीड लेडी के तौर पे दोस्तों लोकल कम्युनिटी में उड़ीसा के अंदर ये बहुत फेमस है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है स्वाति नायक, और उनको जिस तरीके से उन्होंने ट्राइबल विलेजेस के अंदर फार्मर्स की नीड को समझते हुए, एक्चुअल नीड को समझते हुए वहां पे जो काम किया है उसको लेकर उनको ये बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया। नॉर्मन अवार्ड आप सभी को मालूम ही है, जो दुनिया में सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन की जिन्होंने शुरुआत करी थी वो नॉर्मन ही थे। स्वामीनाथन जी ने उनके साथ में मिलकर इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत जो कि करी थी। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ पे गेहूँ, चावल, ये सब मतलब हमें खुद की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही थी। तो उससे हमने क्या किया, नॉर्मन ने सीड वेराइटीज की क्वालिटी इंप्रूव करी, उनको ब्रीडिंग करवाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके जो हमने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जिसका आज हम लोग क्या हो चुके हैं, सरप्लस कंट्री जो क्या हो चुके हैं। हम लोग एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते लेकिन एटलीस्ट हमारे देश की जो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो तो हम लोग पूरी कर ही लेते हैं। तो इन्होंने थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां पर इन्होंने काफी काम किया है, सीड लेडी के तौर पर जाना जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है वो इस अवार्ड को देती है नॉर्मली। अभी वे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना उसके साथ में मिलकर जो कि काम कर रही है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मुलेट, एक स्ट्रेटजी है जो कि बनाई है कि किस प्रकार से जहां पर पानी की कमी होती है वहां पे ड्रॉट टॉलरेंट किस प्रकार से शाहबागी धान जो राइस की वैरायटी है वो वहां पे प्रोडक्शन की जा सकती है। इससे मेजर चेंज यह आया कि इस एरिया में जहां पे पानी की कमी थी ना वहां पर भी राइस का प्रोडक्शन है जो कि होने लग गया, फार्मर्स की फैमिली को खाना मिलने लग गया, क्रॉप का रोटेशन होने लग गया और थोड़े पैसे भी जो है वो कमाने लग गए। तो ये इनोवेटिव अप्रोच जो हुई है वो इसी वजह से इनको 13 साल काम करने के बाद में इन्होंने काम किया है, अब इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछेंगे। साथ में पूरी दुनिया में दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी आइडिया जो सीड वैरायटीज को आगे बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो किसका रहा है, नॉर्मन का, मतलब इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि रहा है, जो आप और मैं जो सोचते हैं ना उससे भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आधे लोगों को तो इनका चेहरा भी नहीं पता कि ये दिखते कैसे, नाम तो बहुत सुना है प्रिपरेशन के टाइम पे लेकिन ये नहीं पता कि दिखते कैसे हैं। तो मैंने इस बार, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे जिसके बारे में भी पढ़े उनकी फोटो भी आपके सामने हो ताकि आप पहचान भी सके कभी जिंदगी में जब फोटो सामने आए। तो अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है, बहुत ही फेमस पर्सन है ना, 1914 में इनका जन्म हुआ था और 2009 के अंदर इनकी डेथ हुई। अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूशन किया किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जिसको बाद में पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम है जो कि दिया गया। इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है ना, और कांग्रेस का एक और गोल्ड मेडल होता है यूएस में, वो भी मिला है इनको इनके काम की वजह से। 20वीं शताब्दी के मिड के अंदर इन्होंने कई सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है वो बनाई थी है ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर के साथ जो टेक्निक को यूज करके, कहां पे, मैक्सिको, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। मैक्सिको भी दोस्तों एक्सपोर्टर है जो कि बन गया था वीट का 1963 तक, 65 से 70 के बीच में जो है पाकिस्तान में प्रोडक्शन डबल हो गया, इंडिया में भी डबल हो गया और हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो देश को हमें यहाँ पे मिल गई। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि उनका रहा। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है किसको मिला है, पेपर में पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 13। यहाँ पे जो आपने देखा होगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है ना, आप अपनी एप्लीकेशन बना के डाल सकते हो, वैसे ही एप्पल स्टोर जो है वहां पर भी आप डाल सकते हो। एप्पल और गूगल पे जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बना के डालते हो, दो ही प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया डाउनलोड करती है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो ऐप गूगल से डाउनलोड करोगे आप, और अगर एप्पल है तो एप्पल का खुद का प्ले स्टोर है वहां से आप डाउनलोड करोगे। तो क्या होता है कि जो गूगल और एप्पल है ना, ये मोबाइल आपकी एप्लीकेशन को खुद के स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में डालने के लिए चार्ज करती है, हर साल का ये पैसा लेती है, वन टाइम भी लेती है पहली बार जब आप अपनी ऐप डालोगे वहां पे। जैसे कि अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करनी है ना, तो सबसे पहले जब अपन ऐप डाल रहे थे तो उन्होंने पैसे लिए थे अपने से कोई 15-20 हज़ार रुपए, और फिर हर साल भी ये कुछ पैसे हैं जो कि लेते हैं, कम होते हैं गूगल प्ले स्टोर के, बहुत ही कम चार्जेस। लेकिन एप्पल के चार्जेस बहुत ही खतरनाक है, पहली बार भी और हर साल आपको पे करना पड़ता है एप्पल प्ले स्टोर को, और एप्पल तो क्या करता है कि 30% चार्ज भी लेता है। तो अगर आप कभी भी देखोगे ना गूगल, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे मान लो किसी भी कोर्स की प्राइस अगर आपको 1000 रुपए मिल रही है तो एप्पल पे आपको ज्यादा ही मिलेगी, पता है,
वहां पे 1200 मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिसने कोर्स बनाया उसने अलग अलग डाली है, लेकिन एप्पल 30% चार्ज है जो कि काटता है अगर उसके प्ले स्टोर से कुछ भी सामान बेचा गया है तो, चाहे वो कोर्स हो, किताबें हो, वॉट एवर इट इज, तो एप्पल बहुत पैसे लेता है। अभी क्या हुआ है कि फोन पे ने भी खुद का ही एक ऐप स्टोर है जो कि बना दिया है डोमेस्टिकली, ताकि लोग उसके ऊपर अपनी ऐप डाल सके और लोग वहां से डाउनलोड कर सके। अभी तो मेजरली आपको जो भी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है तो आप गूगल के पास जाते हो या फिर आप एप्पल स्टोर के पास जाते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। और गूगल की मोनोपॉली है, गूगल प्ले स्टोर है ना, वो किसी को, अगर किसी ने एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एंड्रॉयड भी गूगल का ही है, तो वो कोशिश ये करता है कि कोई डाल ही नहीं पाए अपना दूसरा ऐप स्टोर। अगर डालेगा तो गूगल को दिक्कत हो जाएगी, और गूगल बहुत पैसा कमाता है इससे। तो अभी फोन पे ने ये हिम्मत है जो कि दिखाई है, पहले पेटीएम ने भी दिखाई थी लेकिन पेटीएम फेल हो गया था, अभी फोन पे ने भी ये हिम्मत दिखाई है, एक इंडस ऐप स्टोर है जो कि बनाया है ताकि गूगल को कम्पीट कर सके। तो ये भी आपसे पेपर में पूछेंगे। इन्होंने जीरो प्लेटफॉर्म कमीशन है ना इन ऐप पेमेंट के लिए जो है वो रखा है स्टार्टिंग में, तो क्या जीरो रखा है, बाद में हो सकता है ये भी लोग चार्ज लेना चालू कर दें, और है ना। तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूँ कि चल जाए, अच्छी बात है, चल जाए। अगर हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, अगर इतना बिजनेस करेगी, आप पैसे भी देते हो अगर डोमेस्टिक को दे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है अभी, इसलिए सब लोग जो है वो गूगल पे या फिर ऐप के ऊपर, और वहाँ पे जनता भी ज़्यादा है तो सब लोग अपनी एप्लीकेशन वहीं पर ही डालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो फ्रंट पेज पे तो कुछ भी खास ऐसा नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों मैक्रोन की न्यूज़, ये फ्रंट पेज की है। यहाँ पे देखिए ये वाली न्यूज़ है, देखो क्या हुआ है कि अभी टाटा ने और माइक्रोन ने दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात के अंदर लगाया है, और ये फर्स्ट चिप असेंबली प्लांट है। कोविड के टाइम पे आपको मालूम है ताइवान पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, ताइवान वियतनाम इन सब कंट्रीज में, तो चिप आना बंद हो गई थी, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आइटम मिलना ही बंद हो गए थे, पूरे के पूरे गायब हो गए थे, लैपटॉप मोबाइल फोन मिलना ही। दुनिया में ऐसी स्थिति फिर से ना आए, फिर से हमें ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, उसके बाद में हमने दोस्तों खुद ही जो है वो चिप असेंबली प्लांट है बनाने के लिए सेटअप करने की कोशिश करी, रिलायंस अदानी अंबानी सब ने जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो अभी यूएस की जो कंपनी है माइक्रोन जो कि काफी प्रोडक्शन करती है, उन्होंने टाटा के साथ में हाथ मिलाया, $2.75 बिलियन का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, और ये गुजरात के अंदर जो कि लगा रहे हैं है ना, और इनिशिएट कर दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेमीकंडक्टर का पैकिंग प्लांट है गुजरात के अंदर, एक्चुअली पैकेजिंग प्लांट है ये, कंट्री का फर्स्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन के तौर पे जो ये पैकेजिंग प्लांट है इसकी शुरुआत करी जा रही है। ठीक है, तो टाटा जो है वो असेंबली बिल्ड करेगा, टेस्ट फैसिलिटी बिल्ड करेगा, संदाद नाम का टाउन है अहमदाबाद के पास में, और एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो कि दोनों को ही साथ में मिलकर किया है। तो 500,000 square foot का क्लीन स्पेस रूम है जो कि होगा, 2024 से ये ऑपरेशनल है जो कि हो जाएगा, 4,000 करोड़ रुपए की इनिशियल कॉस्ट है, 500 से 1,000 नौकरियां भी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये काफी बड़ा आर्टिकल है, आप देखिए यहाँ पे माइक्रोन इसमें $825 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल कॉस्ट जो है वो $3.5 बिलियन की है जो कि यहाँ पे आ रही है, कितने हो गए 8, 16, मतलब वही 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल प्रोजेक्ट है ना। 50% तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इसको कॉस्ट को लेने वाली है, 20% गुजरात गवर्नमेंट लेने वाली है, और बाकी के जो 30% होगा वो दोनों कंपनी टाटा और माइक्रोन मिलकर है जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, चलिए 2024 से 15,000 और भी छोटी छोटी जॉब्स है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी जब ये पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से ऑपरेशनल जो कि हो जाएगा। हम लोग हर साल है ना, पता है कितनी चिप को इंपोर्ट करवाते हैं, 2,00,000 करोड़ रुपए की चिप इंपोर्ट करवाते हैं, और आने वाले 5 साल में ये बढ़के 5,00,000 करोड़ हो जाएगा। अगर इतना पैसा जो हम विदेशों को दे रहे हैं, अगर ये हमारे देश में इंडस्ट्री बन जाए, हम लोग यहीं पे काम करके 5,00,000 करोड़ रुपए यहीं पे बांटना चालू देना चालू कर दे, तो सोचिए कितनी जॉब, कितना इंफ्रा, कितनी हेल्प है जो कि मिल जाएगी। तो उसी को लेकर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं आज के फ्रंट पेज की। सबसे पहले आधार को दोस्तों बहुत ही अनरिलायबल है जो कि बताया गया है इंडियन सर्कमस्टेंसेज में, किसके द्वारा, मूडिंग के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए दोस्तों ये स्टेटमेंट काफी डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो आधार को काफी प्रमोट भी कर रही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक दोस्तों ये प्रोग्राम है, लेकिन मूडी का कुछ अलग कहना है। उनका ये कहना है कि जो आधार है ना, एक तो उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज्यादा है, ओके, कई जगह पे कई सारे सर्विसेज आधार से भी नहीं मिल पाती है कई लोगों को। इसके अलावा बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन किया है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर भी मूडी ने क्वेश्चन है जो कि किया है। अब मूडी, फिंच और S&P आपको मालूम है दुनिया के 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 125 साल पुरानी कंपनीज है ये, और जब ये बात कुछ बोलती है ना तो फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका, खैर आधार में तो कोई इन्वेस्टर का कोई लेना देना है नहीं, ये तो सरकार का UIDAI के द्वारा प्रोग्राम चला गया है, लेकिन काफी रिलायबल बात जो कि वो मानी जाती है। तो ग्लोबल रेटिंग मेजर कंपनी है मूडी इन्वेस्टर, उन्होंने दोस्तों एक कंसर्न है जो कि जारी किया है। अब हमें ये देखना है कि हम लोग इनके कंसर्न को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं या फिर थोड़ा बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कर सकते हैं।
यहाँ पे बोला गया है कि आपको मालूम होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि लाई गई थी कि कॉलेज के टाइम पे आप पहले साल करके भी कॉलेज छोड़ सकते हो, दूसरे साल में भी छोड़ सकते हो, तीसरे साल में भी छोड़ सकते हो। पहले साल में अगर मान लो आपका 3 साल का प्रोग्राम है कॉलेज में, आपने बीए बीकॉम किया या फिर मान लो आपने बीटेक करी, ठीक है, पहले साल में आपको समझ आ गया कि यार ये तो मेरे टाइप का कोर्स नहीं है, मैंने तो गलत ही एडमिशन ले लिया। अभी पहले क्या प्रॉब्लम थी, अपने को धक्के देके पूरा करना पड़ता था वो। अब मैंने भी करी, मुझे ऑप्शन मिला तो पहले साल में छोड़ देता इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि अपने टाइप का था ही नहीं यार वो करिकुलम कोर्स सारी चीजें मतलब, तो है ना। तो लेकिन वो ये ऑप्शन नहीं है, अब एक बार घुस गए तो पूरा करके निकलना पड़ेगा। अब तो वो वाली कहानी है, एक बार समुद्र में डुबकी लगा दी अब तो तैरना ही पड़ेगा, तो 4 साल बीटेक करनी ही पड़ेगी पूरी की पूरी। तो वो ये ऑप्शन था। तो पहले साल में तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट अगर आपने करके छोड़ दिया तो, दूसरे साल में आपको मिल जाएगा डिप्लोमा, तीसरे साल में आपको मिल जाएगी डिग्री अगर 3 साल का कोर्स है, और चौथे साल का है तो चौथे साल आपको डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से ये अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन दिए हैं। आप कहीं पर ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1 साल में सर्टिफिकेशन ले लिया, अब मेरे पॉइंट इकट्ठे हो गए, अब मुझे 1 साल जो है वो ब्रेक चाहिए, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना मैं तीसरे साल एडमिशन वापस से कंटिन्यू कर सकता हूं। ये ऑप्शन भी एनईपी में दिया हुआ है, यानी कि मल्टीपल तो एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है, तो आपके जो पॉइंट है ना वो तीसरे साल में आप अपना दूसरे साल का एडमिशन वापस से ले सकते हो। फॉरेन के अंदर भी ऐसे ही होता है, आपके ईयर ब्रेक्स होते हैं फॉरेन में। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले लिया किसी कोर्स के अंदर, 1 साल बाद उसको समझ आया, 2 साल बाद नहीं यार ये तो अपने टाइप का नहीं है, मैं तो कुछ काम ही और करना था मुझे तो जिंदगी में, तो वो छोड़ के जा सकता है, 1 साल का गैप ले सकता है, 1 साल में कर लेगा, अगर हो जाएगा तो सही है, वरना वापस ज्वाइन कर लेगा, समझ आ जाएगी उसको, ठीक है। तो वो ऑप्शन होते हैं बाहर के कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे भी एनईपी में यही था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का हाउस पैनल बनाया गया था उन्होंने दोस्तों इसको मना कर रहे हैं, है ना। एक एमपीए विवेक ठाकुर, वो इस कमिटी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो कि एजुकेशन पे बनाई गई थी उसके हेड है, उन्होंने बोला है कि ये ऑप्शन जो है वो इंडियन ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो उसको मना कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मना करने का कारण कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अब ये लोग मना कर रहे हैं, तो लेट्स सी आने वाले टाइम पे ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों फ्लड है जो कि नागपुर में आया उसका दिखाया गया है, आसाम की मॉनेस्ट्री जो के आसपास जो एरिया उसको रिजर्व किया जा रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे तमिलनाडु बीजेपी इशू है, यहाँ पे केरला का इशू है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेज नंबर 14 जहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी के अंदर, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यूपी के अंदर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर हुआ है वो क्या हुआ है कि एक वैक्सीन व्हील है जो कि बनाया गया। अब ये सवाल आपसे पेपर में पूछेंगे वैक्सीन व्हील को लेकर, ये कौन से राज्य में बनाया, किसने बनाया, इसके बारे में मेंस में भी पूछेंगे, बताइए क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। देखो होता क्या है कि जो भी हमारी आशा वर्कर्स है ना जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, है ना, जिनका अपॉइंटमेंट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में करा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना 1.5 लाख आशा वर्कर है जो कि काम करती है हेल्थ के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार है ना जब आप 1 साल का जो बच्चा होता है ना, 1 साल का जब बच्चे के पैदा होने से 1 साल के बीच में कई सारी वैक्सीनेशन लगती है, ठीक है, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 9 महीने, इस तरीके से कई सारे मंथ में कई सारी वैक्सीन लगती है। अब ना तो अब क्या आशा वर्कर को भी याद नहीं रहता कई बार कि इस बच्चे का कब था, इसका कब था, कब लगाना कब लगाना, तो उसके लिए एक व्हील है जो कि बनाया है। अभी आप ये व्हील देख रहे हो, इस व्हील की अमेजिंग बात पता है क्या है कि आप इसमें उस बच्चे का है ना अंदर वाला जो व्हील है उसमें उसका टाइम सेट कर दो कि कब बच्चा पैदा हुआ है, कौन से दिन, तो इस बाकी के व्हील में उसका जो साइकिल है ना वो अपने आप ही दिखा दिया जाएगा कि कौन से मंथ में कौन से डेट पे इसको वैक्सीनेशन लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो कि अपना मार्क कर सकते हो कौन सा बच्चे को कब लगाना है, तो ये आप डायरी मेंटेन कर सकते हो कि किसको लगा दिया किसको लगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यूपी में लॉन्च किया गया है, एक एनजीओ है उसके माध्यम से, है ना। इसको टीकाकरण चक्र है जो कि नाम दिया गया है, प्लास्टिक लैमिनेटेड कार्डबोर्ड कंस्ट्रक्शन है जो क्लिंटन फाउंडेशन है उसके द्वारा इसका फंड है जो कि किया गया है, और उन्होंने काफी अमेजिंगली इनोवेटिव करके जो है इसको बनाया है। तो अभी जो है वो मिशन इंद्रधनुष जो है उसका पूरा वीक चलता है, मिशन इंद्रधनुष का 11 से लेकर 16 सितंबर, तो इसमें काफी सारा इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है जो कि होते हैं, तो वही चीजें जो कि यहाँ पे करी गई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है UIP जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2030 तक जो है वो काफी सारे टारगेट बना रखे हैं कि 50% बच्चों को दुनिया में जो इम्यूनाइजेशन नहीं है उनको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो उसी के अंदर काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला, चलिए ठीक है। और 90% टारगेट किया जा रहा है इम्यूनाइजेशन कवरेज को लेकर यूपी के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे जो आशा वर्कर्स है उन्होंने अपनी स्पीड ऑफ वर्क जो है उस व्हील की वजह से थोड़ा बेटर हो गई है ना, तो ये काफी अच्छी बात है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर गोल्स दोस्तों क्या है, 2030 तक जो हमारा एजेंडा है वो क्या है, 50% नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीविंग जीरो वैक्सीन डोजेस, जिनको जीरो वैक्सीन, जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही ना, ऐसे 50% बच्चे हम लोग कम कर देंगे। 500 जो नए इंट्रोडक्शन अंडर यूटिलाइज वैक्सीन है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करेंगे, 90% कवरेज कर देंगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक मनाया जाता है दोस्तों वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है, इस बार थीम रखी गई द बिग कैच अप, ये थीम है जो कि इस बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की रखी गई। इंडिया में हम सितंबर में मनाते हैं, वर्ल्ड के अंदर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर इसको मनाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, आपको लगता होगा कि सभी बच्चों को तो आज के टाइम पे वैक्सीनेशन लग जाता है ना, है ना, ऐसा लगता होगा ना, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है, मतलब है ना, हमारे देश में 65% बच्चों को ही दोस्तों वैक्सीनेशन है जो कि लग पाता है वेरी फर्स्ट ईयर के अंदर। सोचिए अभी भी बहुत गैप है, आप और मैं जो अभी हमारा एक्सपोजर बहुत छोटा है यार, आपका तो मतलब बहुत ही छोटा है, आपको तो अभी आइडिया भी नहीं है कि दुनिया में या भारत में लोग किस प्रकार से कितनी मुश्किलों से जी रहे हैं। अभी तो आप तो बहुत कोसों दूर हो रियलिटी से, अभी तो आप एक बंद दीवार के अंदर अपने एक छोटे से एरिया आपने देखा हुआ है उसके अंदर आप जज करते हो हर चीज़ को, लेकिन जिस दिन थोड़ा घूमना, थोड़ा जाना, थोड़ा पढ़ाना, बस्ती में कहीं जाना, लोगों से मिलना, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करना, थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर करने लगोगे ना, आपको ज़िंदगी के मायने अलग ही निकल के आएंगे, आपको अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कितनी मुश्किलें या कितनी परेशानियाँ, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, और आपकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है जो कि ऊपर वाले ने करके दी है। एक कुल मिला के नौकरी का इशू है, वो भी आप कर लोगे पढ़ भर के, कोई ऐसा इशू नहीं है, सभी लोग कर लेते हैं देर सवेर। चलिए ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और नियर बाय 3 करोड़ बच्चों को जो हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर साल है जो कि हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो एक बच्चे को फुली इम्यूनाइज तब माना जाता है तब वो सारी की सारी वैक्सीन है जो कि एक साल के अंदर ले लेता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो पूरा एक शेड्यूल मिलता है, पूरा जब भी आपके बच्चा होगा ना तो पूरा आपको एक शेड्यूल देंगे हॉस्पिटल वाले, उसके हिसाब से आपको टीकाकरण है जो कि करवाना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। और फ्री इम्यूनाइजेशन, ऐसी 12 वैक्सीन है जिससे कई सारे डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, तो उनका फ्री इम्यूनाइजेशन है जो कि सरकारी हॉस्पिटल में होता है, नैश है ना, ये सारे के सारे वो 9 डिजीजेस जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ 3 ऐसे और भी डिजीजेस है उनके खिलाफ भी ये काम करती है। 2 जगह हम लोग माइलस्टोन भी अचीव कर चुके हैं, जैसे कि एक तो हम लोग पोलियो फ्री हो चुके हैं है ना, और एक न्योनेटल टिटनेस फ्री है जो कि हमारा कंट्री 2015 के अंदर हो चुका है, पोलियो फ्री भी हम लोग 2014 के अंदर हो चुके हैं, ये 2 हमने अचीवमेंट भी अचीव करे हैं। ये सवाल भी आया था मिशन इंद्रधनुष का 2016 के अंदर कि ये क्या प्रोग्राम है, तो क्या होता है कि जो भी हमारे हमारे देश में प्रेग्नेंट वुमेन है या जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको इम्यूनाइजेशन का ये प्रोग्राम है ना, 7 डिजीज को काउंटर करने के लिए इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, बाद में फिर ये 12 डिजीजेज जो कि टोटल हो चुके हैं। पेज नंबर 16 के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी देखो कई सारे रिफ्यूजी बेचारे अजरबैजान कंट्री जो है ना, अजरबैजान की वजह से छोड़ के आर्मेनिया की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है आपको एक रिफ्यूजी, चलो आज तो मंडे ही है, चलो आज तो मैं मूवी नहीं बताऊंगा आपको, आपने देख लिया व्हाट इज हेल्थ, मैंने आपको सैटरडे को रिकमेंड किया था ना व्हाट इज हेल्थ करके एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, देखिए तो चलो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो देख लेना। इस सैटरडे को एक और नई मूवी आपको रिकमेंड करूंगा, देखिएगा बहुत अमेजिंग है, उसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से जो ये रिफ्यूजी क्राइसिस है जो कि होते हैं और किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम्स है जो कि देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेटिंग मूवी है मतलब है ना, लेकिन सैटरडे को बताऊंगा वरना अभी इस वीक में देखने चालू कर दोगे आप। चलिए तो अभी हुआ क्या है, जो काराबक करके जो एक न्यूट्रल एरिया है अर्मेनिया अजरबैजान, जो कि हमने कुछ दिन पहले डिटेल में पूरा पढ़ा था, हमने इसकी ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो अब मैंने आपको बताया था कि काराबक के अंदर अर्मेनियन लोग रहते हैं ज़्यादातर है ना, लेकिन वो एक ऑटोनोमस जोन है जो कि बना रखा है, उसके ऊपर दोनों का ही कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, अजरबैजान के अटैक करने की वजह से कई लोगों को जो है 125,000 लोगों को जो है वो इस रीजन को छोड़ के अर्मेनिया जा रहे हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन के अंदर वहां पर रहना पॉसिबल नहीं है, ये चीज बताई गई है। हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है वैसे, जहां पे है नासा दोस्तों अपना फर्स्ट एस्ट्रॉइड का सैंपल है जो बेनू नेम था ना उसका, हाँ बेनू नेम था, बेनू एक एक्चुअली में इजिप्शियन गॉड है, उनके नाम पे रखा गया है बेनू। 200 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहां पे गया स्पेसक्राफ्ट, उसने खड्डा किया लेजर से, कलेक्ट किया सैंपल को और वापस अर्थ के ऊपर लाके गिरा दिया एस्ट्रॉइड का सैंपल। इससे पहले एक बार सिर्फ जापानी एक ऐसा सैंपल है जो कि कलेक्ट कर पाया है, उसने अपना हायाबुसा 2 नाम से एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसने एक सैंपल लिया था, लेकिन वो सैंपल का साइज बहुत ही छोटा था। इस बार इन्होंने सैंपल का साइज भी अच्छा खासा लिया है और 25% यूज करेंगे, 75% फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से
और रिसर्च किया जा सके। अब ये एस्ट्रॉइड का सैंपल लाने से फायदा क्या होगा, वही यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, क्या मिनरल्स हमारी स्पेस में मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सारे के सारे चीजें हैं जो कि पता करने में मदद मिलेगी। ओके, तो नासा ने फर्स्ट एस्ट्रॉइड का सैंपल है जो कि एक पैराशूट से उताह डेजर्ट नाम की जगह है, वहां पे 7 साल की जर्नी टोटल हुई है इस स्पेसक्राफ्ट की, और अभी फाइनली ये सक्सेस है जो कि इनको मिल चुकी है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओसिरिस, OSIRIS, ये नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछेंगे, ठीक है। तो इसने एक सैंपल कैप्सूल है 1,00,000 किलोमीटर दूर से जो है वो छोड़ा, और कैप्सूल जो है वो 4 घंटे के अंदर जाके तो लैंड किया है, और इनको पता थी लोकेशन क्या होगी, इसकी वजह से किसी के सिर पे नहीं गिरा, ठीक है। चलिए, तो मिलिट्री लैंड है एक्चुअली, के अंदर रिमोट एरिया है, मिलिट्री लैंड है, वहां पे ये सैंपल है जो कि इन्होंने गिराया है, और वो सैंपल इन्होंने अभी कलेक्ट है जो कि कर लिया। अगर ऐसा होता है गिराया किसी और ने और मान लो कोई लेके भाग जाता तो 7 साल की जर्नी, 7 साल का पैसा, मेहनत, बेनू और साथ में ये स्पेसक्राफ्ट, सबकी मेहनत गिरा हो जाती। पता लगा चाइना को पता लग जाता, अच्छा गिरा रहा है सैंपल, एक काम करते हैं मैं पकड़ता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर गिरा रहे हैं लोग, पता करता है रशिया है चाइना, वो सैंपल उठा के ले जाते, कितना बुरा लगता है नासा को तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मतलब। चलिए, तो ये वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर पुराना ये एस्ट्रॉइड है जो कि हमारे अर्थ के पास में है। एक्चुअली के अंदर एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो तो आपको MJ के बीच में मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, तो वो इतना दूर तो जाके सैंपल कलेक्ट करके लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ये बेनू है ना, ये हमारे अर्थ के पास में, ये हमारे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। देखो टोटल जो है वो आप ये मान के चलो कि 20-50 लाख के आसपास एस्ट्रॉइड सैंपल है जो कि हमारे MJ की बेल्ट में देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कई सारे एस्ट्रॉइड जो है ना वो हमारे अर्थ के पास में आ जाते हैं, हमारे बेल्ट के आ जाते हैं, हमारे वहां पे घूमने लग जाते हैं, इनको हम लोग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे 1,500 के आसपास एस्ट्रॉइड है जो कि हमारे लिए डेंजर है, और 10,000 एस्ट्रॉइड है जो कि हमारे आसपास में घूम रहे हैं, लेकिन 1,500 तो ऐसे है जो कि हमारे लिए डेंजर वाली स्थिति में है। ऑलराइट, बेनू को भी ऐसा बोला जाता है कि आज से 150-200 साल बाद में हमारी अर्थ से टकरा सकता है, और ये उतना ही बड़ा है कि जितना कि आपके शहर के अंदर आपके 100 फ्लोर की बिल्डिंग बना लो, इतना ही बड़ा एस्ट्रॉइड है। सोचिए इतना बड़ा एस्ट्रॉइड है, अगर अर्थ पे टकरा गया तो क्या हाल होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट, ये बेनू की ट्रजेक्ट्री है ना, ये वाला बेनू की ट्रजेक्ट्री है, तो ये काफी अर्थ के पास में माना जाता है। ओके, तो ये ओसिरिस मिशन है, नासा का एस्ट्रॉइड सैंपल है, तो इसने 1 kg के डस्ट और जो उसके पत्थर है ना वो कलेक्ट करे 1 kg के। ओके, चलिए, और सोलर सिस्टम के जो अर्लियर डेज है उसके बारे में ये पता करके बताएगा हमें। ये लोग टारगेट किया गया साइंटिफिक है ना, 60 ग्राम तो सैंपल जो है ना वो इसका एक टच एंड गो मैनुअर करके है, सिस्टम है वो इसमें ड्रिल करेगा और उसमें सैंपल कलेक्ट है जो कि करके इस बॉक्स में डाल लेगा, फिर इस बॉक्स से अर्थ के ऊपर वापस जाएगा और ये यहाँ पे इन्होंने गिरा दिया है। इस तरीके से ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, US का फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है। मून के ऊपर तो इन्होंने सैंपल बहुत पहले कलेक्ट कर लिए थे, अभी एस्ट्रॉइड के ऊपर भी सैंपल है जो कि इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। चलिए, ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन पता करना, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ एक्सप्लोरर, ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है। 2016 में लॉन्च किया गया था, बेनू की तरफ है जो कि इसको लॉन्च किया गया था। मिशन 7 साल का था और अभी 60 ग्राम सैंपल जो है ये टोटल लेके आया, 1 kg इसने कोशिश करी, 60 ग्राम सैंपल अभी अर्थ के अंदर लेके आया है ना। चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। और सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेशन सोलर सिस्टम का कैसे हुआ, क्या हमारे अर्थ के जैसा ही कोई हैबिटेबल एस्ट्रॉइड भी हो सकता है क्या, वो भी ये लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करेंगे, 75% जो है ये फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे है ना। ये देखिए 200 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे से, इंपीरियल स्टेट जो बिल्डिंग है US की, इतनी बड़ी बिल्डिंग के बराबर है, इजिप्शियन गॉड के ऊपर इसको नाम दिया गया है। लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम है, उनके द्वारा इसको फंड है जो कि किया गया। चलो ठीक है, बी टाइप एस्ट्रॉइड है हमारे अर्थ के पास में, इसमें कार्बन और कई सारे मिनरल्स है जो कि पाए जाएंगे। 4% ये कार्बन कंटेंट जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को एक्चुअली, तो अब 4% ये इसके अंदर कार्बन जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। और वीनस की बात करें तो वीनस में कार्बन और भी ज्यादा है, वो 65% रिफ्लेक्ट करता है, हमारी अर्थ जो है वो 30% है जो कि रिफ्लेक्ट करती है। चलिए, और ऐसा माना जाता है कि ये 2175 से 2199 यानी कि आज से 125 साल बाद में आप ये मान सकते हो 150 से 200 साल के बीच में ये हमारी अर्थ से टकरा सकता है, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी होगी अगर अर्थ बची रही तो, कि ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मतलब हमारी अर्थ का
इतने आगे पहुंच चुके होंगे। इससे पहले जापान ने भी इसके ऊपर काम कर चुका है। जापान पहला कंट्री था जो कि इस तरीके के सैंपल लेके आया था, है ना, इतोकुवा और एक राइजगु, ये दो एस्ट्रॉइड है। इनसे ऑलरेडी जापान जक्सा जो है वो ऑलरेडी मिशन को अपना कंप्लीट कर चुका था। हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि इसने लॉन्च किया था और सैंपल है जो कि कलेक्ट कर चुका था ये ऑलरेडी। तो पहले ये मिशन हो चुका है, नासा ने सेकंड टाइम किया, लेकिन नासा सैंपल बड़े लेके आया, ये छोटे से सैंपल लेके आया था। इसके ऊपर रिसर्च है जो कि ये लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो टीम है जो लेके आई है वो 25% रखेगी, 4% जो है वो कनाडा को मिलेगा और 0.5% जो है वो जापान को भी इसका सैंपल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ा काम करके मदद जो कि करिए, बाकी ये फ्यूचर को देंगे। इस तरीके से लैंडिंग है जो कि इसकी करवाई गई है सैंपल की। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 12। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक केस को लेकर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी है ना एक प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाई गई रेप अक्यूज्ड को। अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट कैसे एक रेप अक्यूज्ड को प्रोटेक्शन जो कि अवेलेबल करवा सकता है। देखो केस समझने की कोशिश करो। अभी देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि कभी भी किसी भी लड़की ने, है ना, केस करवा दिया किसी भी लड़के के खिलाफ, अगर कि भाई इसने वादा किया था शादी का और शादी नहीं किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप हमारे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो आज से 10-20 साल पहले तो क्या बंदे को सजा हो जाया करती थी। लेकिन अब जो है कोर्ट भी बहुत स्मार्ट हो चुका है और कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि भाई अब आप जो एजुकेशन देते हो ना, ठीक है, अब आप जो एजुकेशन कर देते हो किसी भी प्रकार से, तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जिंदगी में सही फैसले ले सको और आप इंडिपेंडेंट हो सको। सही फैसले की बात करें तो जिंदगी में जब आप 10 फैसले लेते हो ना तो उसमें से 5 सही होते हैं, 5 गलत भी होते हैं, ओके, और रिलेशनशिप भी उसमें से एक पार्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है कि आप अपने म्यूचुअली रिलेशनशिप में आए हुए थे, उसके बाद में आपका वहां पे सेक्सुअली जो भी आपका रिलेशनशिप रहा उसके बाद में आपने कंपैटिबिलिटी चेक करी, और जब दोनों में से एक को लगता है कि भाई किसी प्रकार से इमोशनली सोशली या कोई भी प्रकार से अगर कंपैटिबल नहीं है तो शादी के लिए वो मना कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ओके, तो उसके ऊपर रेप का केस है जो कि नहीं लगेगा। तो ये डायरेक्ट अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आया इसी प्रकार से, एक लड़की का कॉल आया था जो कि अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस करना चाह रही थी। तो मैंने भी उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसने मुझे ये बोला कि सर उसने शादी का वादा किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि यार जब आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको फैमिली ने पढ़ाया है, तो आप किसी के इस तरीके से बोलने पे आप अपने डिसीजन कैसे ले सकते हो जिंदगी में, और उसके बाद में उसके लड़के के ऊपर केस कैसे कर सकते हो, है ना। जो भी हुआ म्यूचुअली अगर हुआ है उसके बाद में अगर शादी नहीं हो पाई तो आपको ही डिसाइड करना है ना। अच्छी बात है तो कि आपका कम से कम क्लैरिटी तो आ गई, सामने वाले को आ गई, आपको आ गई कि भाई नहीं करना। शादी के बाद अगर ये कॉम्प्लिकेशन आते तो और भी ज्यादा दिक्कत होती। तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना, ये एक मंदर दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था जिसमें बोल दिया है कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप जो है जो कि जेन्युइन प्रॉमिसेस के ऊपर अगर मैरिज के ऊपर भी करी जाती है तो भी अगर वो फुलफिल नहीं होता तो भी वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा, समझ गए। तो अगर, और ये 27 साल की जिस लड़की ने किया है वो एक एजुकेटेड वुमेन है और एजुकेशन के मायने ये होता है। तो अगर आपके फ्यूचर में किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं कर पाते ना, तो ये सोच के आगे मूव करने की कोशिश किया करो कि ही और शी डोंट डिजर्व मी। आप जिंदगी में 3 रिलेशनशिप, 4 रिलेशनशिप या एक जो भी है, वॉट एवर इट इज यार, ये तो हिट एंड ट्रायल होता है, सिंपल सी कहानी है ना, कभी बनती है कभी नहीं बनती है किसी से। तो अगर मान लो किसी से नहीं बनी है तो किसी से रिवेंज मत लेने की सोचना कि मतलब रिवेंज लूंगा आप उससे या लूंगी उससे। कोशिश करो आपको क्लैरिटी हो गई दोनों में से एक को, क्योंकि शादी जो इतना पवित्र बंधन है जो कि दोनों की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करने की वजह से बनता है, दोनों एक दूसरे को इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं, ट्रीट करते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, तब शादी में जाते हैं, है ना। उससे पहले अगर दोनों में से एक के मन में भी अगर कोई शंका है तो फिर मत ही करो शादी, दैट इज मोर बेटर, दैट इज वे कि आप बाद में जाके परेशान हो। तो ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी, कि सर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं यार, आप आगे मूव ऑन करो, जिंदगी बहुत बड़ी है, आपका करियर बहुत बड़ा है, जिंदगी में बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो कि अभी तो आपको देखने हैं, उसमें से वन ऑफ देम है जो कि आपका ये रिलेशनशिप का होता है। ऑलराइट, चलिए स्पोर्ट्स की बात करें तो एक नया कीर्तिमान जो कि शुभमन गिल के द्वारा दोस्तों अचीव किया गया। एक साल के अंदर है ना, अगर मैं बात करूं कितने भारतीय बैट्समैन ने आज तक जो है वो 5 सेंचुरी लगाई है, तो ऐसे दोस्तों 6 ही प्लेयर है, 7वें शुभमन गिल है। इससे पहले सचिन, सौरव, रोहित, राहुल द्रविड़ और शिखर धवन, ये ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 7 मतलब एक साल में कैलेंडर ईयर में 5 सेंचुरी लगाई है। तो ये 7वें प्लेयर है जो कि शुभमन गिल बन चुके हैं एक कैलेंडर ईयर में ऐसा करने वाले। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक किताब जो है वो बहुत फेमस होगी, एग्जाम में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। उर्जित पटेल जो कि पहले RBI गवर्नर थे, उनको दोस्तों मोदी जी ने ये बोला था कि एक स्नेक है जो कि मनी के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा दोस्तों ये बात है जो कि बोली गई है।
तो अब ये किताब इतनी हाईलाइटेड हो चुकी है कि इसके बारे में हर जगह पे चर्चा हो रही है कि मैं है ना। तो ओके, तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है सुभाष चंद्र गर्ग, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। इनकी किताब है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, ये किताब का नाम है। ओके, और आपको मालूम है कोई भी किताब का कोई भी स्टेटमेंट एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, तो इस प्रकार से जो है वो चर्चाएं होती है और वो किताब पेपर में आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। 2018 के रिव्यू की मीटिंग हो रही थी, उस टाइम पे ये स्टेटमेंट जो है वो कहा गया था। अर्जित पटेल ने बाद में छोड़ भी दिया था अपना कार्यकाल। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो बाइडेन को लेकर है। पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से 5-10 साल पहले तो जो पैसिफिक आइलैंडर कंट्री थे ना, 14 छोटे छोटे से आइलैंड वाले कंट्री है ना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशन में है ना, फिजी विजी गिनी विनी इस तरीके के, उनको कोई पूछता भी नहीं था बेचारे को। वो बेचारे अपने कोने में बेचारे पड़े रहते थे, कोई नहीं पूछता था उनको। चाइना को इसका मौका मिला, चाइना को ने उनको सपोर्ट करना चालू किया, पैसा देना, सपोर्ट करना, इंफ्रा बनाना है ना। चाइना के टेक ओवर करने के बाद अमेरिका को समझ आया कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो हमारे बिल्कुल बाजू के छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज थे, ये तो हमारे हाथ से चले जाएंगे। और ये क्या रूट पैसिफिक ओशन में रूट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या है, अमेरिका भी जाग गया और वो भी फंडिंग अवेलेबल करवा रहा है इंफ्रा के लिए, अंडर सी केबल लगवा रहा है, इंटरनेट फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा है, और एक समिट भी जो है ये लोग होस्ट कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो बाइडेन जो है पैसिफिक आइलैंडर के जो भी कंट्रीज है उनके लीडर का एक समिट है, जो कि 3 दिन का समिट है, डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन है, जो कि 2 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को भी यहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। एक तो है कुक आइलैंड और एक है न्यू, ये ऑफिशियली इनको रिकॉग्नाइज है, जो कि किया जाएगा, पहली बार कर रहे हैं ये लोग, तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इन्होंने। ओके, तो कोस्ट गार्ड जो है वो भी अपने यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज या जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो भी इनको देने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटी डिस्कशन क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक हेल्थ है, ये 3 चीजों के ऊपर है जो कि इनके साथ में वॉशिंगटन के अंदर करने वाले हैं। 3 दिन का सबमिट होगा, ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे फुटी लीग होती है, नेशनल फुटबॉल लीग है, वो मैचेस भी इनको दिखाए जाएंगे, अंडर सी केबल करना, रीजनल लीडर्स को ऑनर करना, ये सारे काम है जो कि अभी ये लोग कर रहे हैं। ये आप देखोगे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया, ये 3 प्रकार के छोटे छोटे से यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज है ना, तुवालू करके है, कुक आइलैंड है, यहाँ पे ईस्टर आइलैंड है, इन सबको ये देखो ऑस्ट्रेलिया हो रहा, अमेरिका ये रहा ऊपर, तो इन दोनों के बीच में आपको ये सब जो है छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज, सोलोमन आइलैंड देखो, गिनी हो गया, नूरू हो गया, फिजी आइलैंड हो गया, टोंगा हो गया। फिजी आइलैंड पे तो बहुत पहले 100 साल 125 साल पहले कई सारे भारतीय चले गए थे, लेबर के तौर पे गए थे। आज वहां पे 30-40% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है ना। ये देखिए ये सारे के सारे कंट्रीज है, छोटे छोटे से कंट्रीज है, 14 के आसपास की कंट्री है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो फिजी और पापुआ न्यू गिनी के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिजी के साथ हमने भी रिलेशन बहुत पहले बना लिया था, हमारे यहाँ से 1879 में पहली बार लेबर चली गई थी, मतलब 9 लाख के अंदर से आप ये देखिए 3-4 लाख लोग जो है दिया। 70 में इंडिपेंडेंस मिल गई फिजी को, हमने कमीशन ऑफिस भी सेटअप कर दिया, उसके बाद वहां पे क्या हो गया था, मिलिट्री कूप हो गया था, तो फिर हमने एम्बेसी बंद कर दी। फिर एक से दोस्तों वहां पे विजिट किया था फिजी में और कमीशन की वहां पे ऑफिस है जो कि एस्टेब्लिश किया था। 14 के अंदर मोदी जी गए थे वहां पे, 17 में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया लौट आए थे, इंडिया विजिट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि मोटो जीपी अभी इंडिया के अंदर हुई है, आपने देखा होगा नोएडा के अंदर करवाई गई है, तो मुनी जो है उन्होंने इस रेसिंग को दोस्तों जीत लिया है। ठीक है, मुनी VR46 ये टीम का नाम है एक्चुअली, और जो रेसर है उनका नाम है मार्को ने इस रेसिंग को जीत लिया। इंडियन मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स इसका नाम है, और ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में बहुत टाइम बाद में टूर्नामेंट है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राइनोस को लेकर। राइनोस की एक रिपोर्ट है जो कि 2023 की पब्लिश करी गई है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई 2023 का डॉक्यूमेंट। इसमें राइनो के जो 5 प्रकार के जो राइनो स्पीशियस एशिया और अफ्रीका में, 5 ही प्रकार के राइनो दुनिया में बचे हैं। वर्ल्ड राइनो डे अभी 22 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई। वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा पहली बार 2010 में इसके बारे में अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखो व्हाइट राइनो भी है जो कि 16,000 है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो 4,000 इंक्रीज हो रहे हैं वल्नरेबल में, ये हमारे दोस्तों इंडिया में है। ब्लैक राइनो 6,000 ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जावान वाले जो है ये स्टेबल है, 76 है इनकी सारी पॉपुलेशन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
और सुमत्रन जो है राइनो, ये भी दोस्तों सिर्फ 34 से 35 बच्चे हैं और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो अगर आप देखोगे पांच में से राइनो, तो दो तो वैसे बहुत कम बच्चे हैं, एक का डिक्रीज होता जा रहा है, दो जो स्टेबल है ना जो इंक्रीज हो रहे हैं, ये दो ही है, वन ऑन राइनो और ब्लैक राइनो, ये दो ही है जो कि अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, ये भी जो है ब्लैक वाला भी, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कंडीशन के अंदर है, ये भी अभी नंबर इसका काफी कम है, 4000 हमारे वाला जो वन ऑन राइनोज है, ये काफी हम लोगों ने इसके ऊपर काफी काम किया प्रोटेक्शन को लेकर। इनको थ्रेट किससे है, पॉन्चिंग से, हैबिटेट लॉस से, इनके जो सींग होते हैं ना राइनोज के, वो इंटरनेशनल मार्केट में मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, ब्लैक मैजिक, इन सब के अंदर बहुत एक्सपोर्ट है जो कि लोग करते हैं। ओके, साउथ अफ्रीका के अंदर भी काफी डिवास्टेशन हुआ है, काफी लॉस हुआ है व्हाइट राइनोज का, ब्लैक राइनोज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी भी काफी पॉन्चिंग के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज इसका कारण है, हैबिटेट लॉस इनका कारण है, ये सारे जो है इनके कारण है। तो अगर आप व्हाइट देखोगे, व्हाइट और अफ्रीकन, व्हाइट और ब्लैक वाले जो है वो अफ्रीका में पाए जाएंगे, बाकी जो है राइनो, जावन और समुद्रन, ये एशिया के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पांच लार्जेस्ट स्पीशीज में से दोस्तों हमारी वाली है जो एकमात्र इंडिया में पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क जाइएगा कभी, एलिफेंट सफारी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है, वहां पे आपको राइनो भी दिखाएंगे। ओके, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और यूपी के दुधवा में, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, यहाँ पे जगह पे आपको पाने, यहाँ पे कई जगह पे जो है आप इनको देख सकते हैं। 2019 के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुई थी, जहाँ पे पांच कंट्री ने इसको साइन किया, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया, इनको बचाने के लिए। 2020 में हमने एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, एक स्ट्रेटेजी भी जो है वो हमने बनाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं वेनेडियम को लेकर। दोस्तों, वेनेडियम जो है क्रिटिकल मिनरल होता है, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है नेचुरली, नॉर्मली इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, वो भी गल्फ ऑफ कम्बाद के अंदर है जो कि डिस्कवर हुआ है। वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जो इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर 23 है, और क्रिटिकल एलिमेंट मिनरल्स में से ये पाया जाता है। सिल्वर हार्ड कलर का होता है और सुपर कंडक्टर है जो कि इसको माना जाता है। बहुत सारी जगह पे इसको काम है जो कि लिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना हो, चाहे फिर आपके अलॉय आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर हो, है ना, रिचार्जेबल बैटरीज बनानी हो, या फिर मरीन इकोसिस्टम के अंदर हो, स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। तो और टॉक्सिक भी होते हैं ये, दुनिया में ब्राजील जो है वो इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और डिपॉजिट आपको चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में पहले ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों इसके डिपॉजिट मिल चुके हैं वेनेडियम के, और अब अदर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और अभी गल्फ ऑफ कम्बाद रीजन के अंदर भी हमें देखने को मिला है, तो काफी बड़े इनिशिएटिव है ये। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल भी आ चुका है, यूपीएससी 2018 के अंदर लाइटेस्ट और हैवीएस्ट कौन सा है, तो लाइटेस्ट और हैवीएस्ट कौन सा है, लिथियम तो लाइटेस्ट और ऑस्मियम जो है वो सबसे हैवीएस्ट है, तो बी आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं पीआईबी की, तो पहली न्यूज है इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस, लॉयर कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली के अंदर, और फर्स्ट टाइम कंट्री में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जुडिशियरी डिलीवरी सिस्टम, ये इसकी थीम है जो कि रखी गई है, पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इसको होस्ट है जो कि करवाया गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर है जो कि ये हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है एक और पीआईबी की न्यूज, इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल है जो कि गोवा के अंदर दोस्तों कल से मनाया जाने वाला है, लाइट हाउस फेस्टिवल, हमारे कई सब मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, फोर्ट अगोड़ा जो है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी दोस्तों 4 जुलाई को किस प्रकार के करंट अफेयर के सवाल पूछे गए एसएससी के अंदर, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया कि बॉइलिंग के नाम से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि देश में मनाया जाता है, जिसका मतलब ही बॉइलिंग होता है, तो ये कौन सा है, पोंगल है एक्चुअली के अंदर, पोंगल का मतलब यही होता है। नेक्स्ट सवाल आया, कौन सा ऐसा माइनर प्लेनेट है मार्स और जुपिटर के बीच में, जो कि इंडियन म्यूजिशियन के नाम पर उसका नाम रखा गया था, याद है आपको, हमने पढ़ा भी था, कवर भी किया था, आंसर क्या होगा, पंडित जसराज, है ना, रविशंकर के नाम पर तो बहुत पहले ही कर चुके हैं हम लोग, हरिप्रसाद रविशंकर इनके नाम पर भी कर चुके हैं पहले। चलिए नेक्स्ट है, कामराज जिनको संगीत नाटक अकेडमी से नवाजा गया, फोक म्यूजिक और डांस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन से राज्य से है, तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, ऐसे सवाल छोड़ने में ही भलाई होती है, जम्मू एंड कश्मीर से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, कितने बेड एक डिस्ट्रिक्ट के पास में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से होने चाहिए, काफी अच्छा सवाल है, हमने उस टाइम पे कवर भी किया था इसको, है ना, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से 12 बेड होने चाहिए मेरे ख्याल से, मिनिमम 12 था, 24 बेड, हाँ 24 बेड था, 24 बेड है जो कि पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से होने चाहिए। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च करी गई? बहुत ही सिंपल सवाल, 2015 में। एक सवाल आया आपके, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? कतर के द्वारा, सभी को मालूम है। नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? ये 2022 के अप्रैल 2022 में कौन थे ये पूछा गया है। अभी तो प्रकाश श्रीवास्तव बन चुके हैं, यार मालूम होगा आपको, है ना, वापस भी रिपीट हो सकता है। अभी उस टाइम पे जो थे वो आदर्श कुमार गोयल थे, काफी सालों से थे एक्चुअली गए। चलिए, अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे 2022 में? तो उस टाइम पे धुल थे शायद, मेरे ख्याल से यश धुल, सी आपका सही आंसर होगा। आज के पांच वोकैबुलरीज की बात करें, अपहोल्ड का मतलब होता है सही ठहराना। बोलते ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया डिसीजन, यानी कि सपोर्ट कर दिया, सही ठहरा दिया, एंडोर्स करना, है ना। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंडर, जो योद्धा होता है, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट, है ना, कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट करना मतलब किसी भी चीज को रिड्यूस करना, रिवोक करना, हटा देना, उसको हम लोग एब्रोगेट है जो कि कहते हैं। एक है डिसर्न, यानी कि किसी को पहचानना, किसी के बारे में बताना, किसी को पिक करना, बताना, उसको हम लोग डिसर्न है जो कि कहते हैं। लास्ट है स्पाइरल, यानी कि किसी भी चीज को वृद्धि करना, बढ़ा लेना, आगे शूट करना, उसको हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। क्लास 24 ऐप के ऊपर आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए किस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको जीके पढ़नी है मुझसे, तो आपको मात्र 999 रुपीज के अंदर आपको जीके का कोर्स कंप्लीट, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। ऑलराइट, बहुत ही अमेजिंग, इसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। लर्न विद गुणेश सर पे जाके आपको अभी एक लेक्चर मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये लेक्चर है जो कि अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से बुक की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार देखो बुक बनाना, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो कि मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए क्लासेस में, जो भी बच्चों ने आज तक देखे हैं बहुत पसंद किए हैं। इससे अच्छा जीएस का कॉन्टेंट यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, मिलेगा कभी, है ना। बुक की बात करें तो मुझे मालूम है जीएस की एक बुक अच्छी लिख सकते हैं अपन, बहुत अच्छी अच्छी किताब बनेगी भी नहीं मार्केट में, लेकिन वो ये कि टाइम का एक इश्यू है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इन नियर फ्यूचर के अंदर। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे बुक के लेकर आती रहती है, लेट्स सी इन फ्यूचर के अंदर अपन ट्राई करेंगे, ठीक है ना, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत अच्छी होगी। चलिए, ऑलराइट, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन।